हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, बहुत ज़्यादा यूजर्स के कमेंट्स आने के बाद मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। तो बेसिकली जो ये वीडियो है जियो यूजर्स के लिए होने वाली है, क्योंकि जियो यूजर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है इस टॉपिक से रिलेटेड। अब क्या टॉपिक है? अब सपोज दैट आपका कोई फ्रेंड है या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर है, अब उस मेम्बर के पास बैलेंस खत्म हो जाता है। तो अब आप हो जियो यूजर और आप चाहते हो कि आपका बैलेंस किसी और के पास चला जाए, या फिर आपका खुद का बैलेंस खत्म हो जाता है, आप चाहते हो किसी जियो यूजर से बैलेंस डलवाना, मतलब जो उसके मोबाइल में बैलेंस है वो आप अपने सिम में ट्रांसफर करवाना चाहते हो। तो ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत सारे यूजर्स को होती है, क्योंकि उनको कोई भी कोड पता नहीं होता है कि कैसे जो बैलेंस है ट्रांसफर किया जाता है जियो की सिम से। अगर आप जियो यूजर हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को जरूर से देखना, क्योंकि जो वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आप किसी भी फ्रेंड से पैसे ले सकते हो या फिर किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो इसके लिए देखती रहे आप इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। और साथ ही अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लेना। साथ ही नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपके पास कौन सी कंपनी का सिम है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी बकवास के। तो दोस्तों, जियो की सिम से बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए या फिर बैलेंस लेने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले आपका जो फोन का डायलर पैड होता है वो आपको ओपन करना है, जहां से आप कॉल करते हो। तो उसको ओपन करने के बाद आपको एक कोड डालना है, वो अभी कोड मैं आपको बता देता हूँ और आपको साथ ही स्क्रीन पर भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है *149#। अब इससे आगे आपको एक कोड डालना है, वो कोड भी मैं आपको बताऊंगा आपको क्या डालना है। फिर कोड डालने के बाद आपको हैज और फिर अमाउंट, आपको कितने पैसे डालने हैं या फिर कितने पैसे आपको लेने हैं, वहाँ पर आपको अमाउंट डालना है। उसके बाद फिर हैज और फिर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, जिसके भी मतलब वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है जहाँ पर आपको ये पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो इतना होने के बाद अब यहाँ पर अमाउंट रह गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको अमाउंट बाद में बताऊंगा। अब जो ये अमाउंट होता है अलग अलग सिम का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि अब मेरी जियो की सिम है तो मैं अब आइडिया को सेंड कर रहा हूँ तो इसका अलग कोड होगा, अब मैं एयरटेल को सेंड कर रहा हूँ तो इसका अलग कोड होगा। तो ये भी कोड मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर आपको जो अमाउंट मैंने दिखाया है, यहाँ पर आपको अमाउंट की जगह पर जो BSNL में अगर आप सेंड कर रहे हो तो वहाँ पर 283 ये कोड आपको वहाँ पर डालना है और सीधा आपको सेंड कर देना, आपके पैसे चले जाएंगे। और अगर आपके पास वोडाफोन की सिम है, मतलब जियो से आप वोडाफोन में सेंड कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको 326 ये डालना है। और अगर आप एयरटेल में सेंड कर रहे हो तो 473 ये डालना है। और आइडिया में सेंड कर रहे हो तो 327। और टाटा डोकोमो में सेंड कर रहे हो तो वहाँ पर आपको 198 अमाउंट एंटर करके सेंड कर देना है, आपका बैलेंस चला जाएगा। अब इसके बाद आप एक या दो मिनट के बाद वेट करोगे तो वहाँ पर आपको एक मैसेज मिलेगा इनवैलिड कोड का। बट अगर आप 5 या 6 मिनट के बाद फिर से देखते हो तो आपको जो रिचार्ज हो सक्सेसफुल मिल जाएगा। और हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम में आपका बैलेंस मतलब ना जाए, ट्रांसफ़र ना हो, तो आप सेकंड टाइम ट्राई कर सकते हो। डेफिनेटली आपका 100% है जो बैलेंस है जियो का, वो अलग सिम में, जो दूसरी सिम है जिसमें आप भेज रहे हो, वहाँ पर चला जाएगा। तो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको ये छोटी सी ट्रिक कैसे लगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ये ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स मिले, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जिसके पास जियो की सिम है, ताकि उनको भी मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सके, उनको ये प्रॉब्लम ना आए। तो मैं हर्ष मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।